नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रिक्स हेयर सीरम का रिव्यू और कैसे हमें सीरम को इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लगाना चाहिए और बालों में किस पॉइंट पर हमें ज्यादा लगाना चाहिए जिससे हमारे बाल सॉफ्ट और स्मूथ भी लगें और शाइनी भी लगें। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दें। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें सीरम को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इस सीरम की खूबियां क्या क्या है। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि हेयर सीरम जरूरी क्यों होता है। देखिए, हेयर सीरम का पैसे कोई जरूरी नहीं कि आपने लगाना है, बट मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूं किसी पार्टी फंक्शन वगैरह में तो जरूर हेयर सीरम को अप्लाई करती हूं, क्योंकि इससे आपके बाल जो है काफी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं और शाइनी भी हो लगते हैं। जी हाँ, ये आपके बालों में एक बहुत अच्छी शाइन भी लेकर आता है, इसलिए मैं सीरम को अप्लाई करती हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीरम क्यों जरूरी होता है। देखिए, अपने बालों को एक सॉफ्ट और स्मूथ लुक देने के लिए और शाइनी बनाने के लिए सीरम जरूरी होता है। बट अगर यहाँ पर मेरी बात की जाए तो मैं कभी भी घर में जब रहती हूँ तब मैं सीरम वगैरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बहुत कम ही लगाती हूँ। लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अक्सर हेयर सीरम का इस्तेमाल जरूर करती हूँ। तो इसीलिए हमें जरूरी लगाना चाहिए सीरम, क्योंकि इससे हमारे बाल सॉफ्ट और स्मूथ लगते हैं और शाइनी भी लगते हैं। वैसे तो दुनिया भर में इतने ज्यादा सीरम है और बट मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। मैं पिछले एक साल से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है ये। और प्राइस की अगर बात की जाए तो काफी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है और 3 से 4 महीने आपकी ये बोतल आराम से चल जाती है। अब बात कर रहे थे इसकी पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग में आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर की एक पंप बोतल में आता है और ट्रांसपेरेंट बोतल है। देख सकते हैं आपको यहाँ से प्रोडक्ट जो है नजर आ रहा होगा, ये देखिए। और इसके ऊपर सभी चीजें मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। स्ट्रिक्स हेयर सीरम वाइटलाइज विद वॉलनट ऑयल, अ हेयर पॉलिशिंग एंड स्मूथनिंग सीरम फॉर सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर। तो ये आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की बना देता है और शाइनिंग भी बनाता है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं प्राइस की, तो काफी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है। 210 रूपये में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और नेट क्वांटिटी जो आपको इसकी मिल रही है आपको 100 ml में मिल रही है। क्वांटिटीज की अच्छी खासी आपको मिल जाती है, यानी कि 200 रूपये में आपको 100 ml की बोतल मिल रही है। तो ये 3 से 4 महीने आपकी अच्छे से चल जाएगी, तो बहुत अच्छी डील है, इसे परचेज कर सकते हैं आप, काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपने इसे अप्लाई कैसे करना है और कितनी क्वांटिटी में हमें ये लगाना चाहिए। तो जब कभी भी आप सीरम अप्लाई करें, डायरेक्ट आपने अपने स्कैल्प में इस तरीके से नहीं लगाना है, क्योंकि स्कैल्प में कभी भी सीरम नहीं लगाना चाहिए, इससे आपका प्रोडक्ट जो है वेस्ट होता है। आपको हमेशा बालों के नीचे लगाना चाहिए जाके, यानी कि आप प्रेसिंग अगर करवाते हैं, यानी कि हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह अगर आप करवाते हैं तो उस एरिया में हमें बालों के लगाना चाहिए, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। मैं आपको अभी यूज कर दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ इसे। तो चलिए अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की बॉटल में आता है, ये देखिए, काफी क्यूट है। क्वांटिटी आपके हाथ में होती है कि आपने कितने ड्रॉप्स ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी लेनी है। और वैसे भी इसकी 4 से 5 ड्रॉप्स काफी होती है आपके बालों में, लेंथ के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं इसे। वैसे मेरे हिसाब से 4 से 5 बूंद मेरे बालों के लिए इनफ होती है और बहुत आसानी से आपके बालों में लग जाता है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको अप्लाई कर दिखाती हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे बाल थोड़े गीले हैं और थोड़े से सूख भी चुके हैं, तो मैं अभी आपको ये हेयर सीरम अपने बालों में लगाकर दिखाती हूँ। और ये टैंगल भी रिमूव करता है या नहीं वो भी देख लेते हैं। और इस तरह से आपने अपने पाम में लेना है, आपने अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंगली इसे यूज करना है, तो मेरे लिए इतना इनफ होगा। तो 5 से 6 बूंद मैंने ले ली है और इसे अच्छे से अपने फिंगर्स पर लगा लेना है। और मैं यहां पर अपने बालों को पार्टीशन करते हुए लगा रही हूं। और ध्यान रहे कि आपने हेयर सीरम स्कैल्प में नहीं लगाना है, मतलब कि अपने बालों की जड़ों में नहीं लगाना है, जस्ट ऊपर की तरफ और नीचे के बालों में आपने अप्लाई करना है, कुछ इस तरह से जैसा मैं आपको दिखा रही हूं। और साथ के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि ये जो हेयर सीरम है बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल नॉन स्टिकी है। आप इसे फ्री माइंड होकर इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रिजी बालों के लिए भी ये हेयर सीरम सबसे बेस्ट है। आपके बालों को फ्रिज फ्री बनाता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी ही बनाता है, बालों की चिपचिपाहट कम करता है और साथ ही साथ आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी ही बनाता है। तो ये देखिए, बाल भी नहीं टूटे हैं, वरना गीले बाल अक्सर ज्यादा टूटते हैं। तो मैंने अभी तक कॉम्ब नहीं किया है अपने बालों में और अब मैं कॉम्ब कर लेती हूं। तो ये देखिए कितना नाइसली आपके टैंगल्स को रिमूव कर रहा है, ये देखिए बिल्कुल भी उलझे नहीं है बाल, आप देख सकते हैं ये देखिए। और बालों में बहुत अच्छी शाइन भी आ गई है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही स्मूथ भी लग रहे हैं मेरे बाल, मुझे काफी स्मूथ लग रहे हैं और डिफरेंस आप देख सकते हैं ये देखिए।
और आप इस हेयर सीरम को रीअप्लाई भी कर सकते हैं दिन में, जितनी भी बाहर जाएं आप इसे रीअप्लाई करना चाहते हैं अपने बालों में तो आप इसे रीअप्लाई भी कर सकते हैं। और आप इस हेयर सीरम को गीले बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं और सूखे बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आप बाहर जाते हैं बाइक वगैरह पे, आपके बाल खराब हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो ऐसे में भी आप इस सीरम की हेल्प से अपने बालों को सुलझा सकते हैं और टैंगल फ्री बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरा कोई भी बाल भी नहीं टूटा है, ये देखिए काफी नाइसली इसने मेरे टैंगल्स को रिमूव किया है और बहुत ही अच्छी एक शाइन भी आई है बालों में, आप देख सकते हैं, और काफी स्मूथ भी लग रहे हैं मुझे मेरे बाल, ये देखिए। तो जो इस पर सभी चीजें क्लेम की हुई हैं कि आपके बालों के टैंगल्स को रिमूव करता है और साथ में हेयर फॉल को भी रोकता है, तो बाल भी नहीं टूटे हैं आप देख सकते हैं, एक भी कॉम में बाल नहीं आया है, और ये टैंगल्स को भी रिमूव करता है, आपके बालों को साथ के साथ सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाता है और शाइनी भी बनाता है। तो मेरे लिए ये सीरम को मैं 10 out of 10 देना चाहूंगी, बहुत ही बेस्ट सीरम है। प्लीज गाइस आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो मुझे ये सीरम काफी ज्यादा पसंद आया है, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। वैसे आपको ये नॉर्मल मार्केट में भी इजिली मिल जाएगा। तो गाइस ये था मेरा आज स्ट्रिक्स हेयर सीरम का रिव्यू। आई रियली होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटे का बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं उनका जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।